अमृतसर में थाना बी डिवीजन, मानयोग डीजीपी साहब, मानयोग पुलिस कमिश्नर साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को जो RNCI प्रोजेक्ट शुरू किया है उस बारे में थाना बी डिवीजन के SHO शिव दर्शन ने बात की। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पुलिस और पब्लिक को काफ़ी फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रुप में पत्रकारों को थाना बी डिवीजन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और पत्रकारों को कोई भी जानकारी थाना बी डिवीजन की चाहिए होगी तो वह इस ग्रुप से ले सकते हैं। रेलवे विभाग तो 24 घंटे पहले कंफर्म है, ठीक है तो नहीं अज थाना बी डिवीजन विखे इस एरिए वक् वक् चैनलों के वक् वक् अखबारों के जो पत्रकार ने नुमाइंदे ने उन्हां दी मीटिंग की गई है। मीटिंग का उद्देश सी कि मानयोग DGP साहब वालों, मानयोग कमिश्नर साहब वालों जो RNCI ने प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसके बारे च इन्हां नाल विचार सांझे करने, इनफॉर्मेशन शेयर करनी। ये RNCI रैपिड इनफॉर्मेशन कम्यूनीकेशन नैटवर्क शुरू किया गया क्योंकि अजकल सोशल मीडिया का जमाना वा, हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया ने जुड़िया वा, चाहे वह बच्चा बजुर्ग है, चाहे वह कारोबारी है, सोशल मीडिया के राही जी अपनी जानकारी आदान करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ही असी जो लोगों वक् वक् एसोसीएशन नुमाइंदे ने साडे एरिए दे उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में जोड़ रहे हैं ता जो कोई इनफॉर्मेशन उन्होंने शेयर करनी है जां कोई उन्होंने हदायत भेजनिया ने वो इस ग्रुप राही इस प्रोजेक्ट के राही उन्होंने तक जल्दी पहुँचाई जान। जिमें कि ना तो ही ये बारे पता लग जाता कि रैपिड इनफॉर्मेशन तुरंत जी सूचना वा सोशल मीडिया के राही लोगों तक पहुँचाई और लोगों वालों जो फीडबैक जी वापस पुलिस को आनी ये इस प्रोजेक्ट में शुरू किया गया। यदा जो पुलिस में बहुत फायदा वा, समाज के वक् वक् वर्ग ने उन्होंने बहुत फायदा वा, ता जो आपस में पुलिस से पब्लिक को जोड़न का एक निर उपराला किया गया वा, यदा फायदे दसने हैं ये बारे वो तो वनू वरतों च लिया वा तो जोड़े ये फायदे ने वो लोगों तक पहुँचाने। हाँ जी, अच्छी मीटिंग की गई अब पुलिस थाना बी डिवीजन SHO शिव दर्शन सिंह जी वालों एक मीटिंग की गई है पत्रकारों जी। मीटिंग आ पत्रकारों सोशल मीडिया करके की गई जी। सोशल मीडिया के पत्रकार जोड़े आ कि पुलिस के नाल एक्टिव रहन और पत्रकार कोई इनफॉर्मेशन देनी आ तो वह भी दे सकन और पुलिस को लैनी वह भी लै सकन क्योंकि हुण सोशल मीडिया का जमाना हो चुका आ कि हर बंदा सोशल मीडिया से आ तो कई गल्लां जिहड़ियां आ उह रह जांदियां। पत्रकार बार बार पुलिस नूं फोन करदे आ कि सानूं इनफॉर्मेशन दित्ती जावे कि घटना वापरदी है, इस करके उन्होंने वालों ग्रुप बनाए जा रहे हैं। मीटिंग की गई है कि कोई भी घटना वापरती है तो तुरंत जी ग्रुपों के पाई जाएगी और तो तुरंत एक दूजे को इनफॉर्मेशन दी जाएगी। ये जी बहुत वधिया उपराला आ एक जिहड़ा किया गया है ये वास्ते जो बहुत बेनीफिट मिलेगा पत्रकारों को भी और पुलिस को भी और आम पब्लिक को भी कि जो समाज के कहना फेक खबर फैलाइया जाए ने उसते भी नत्थ पाएगी क्योंकि जो एक पुलिस अफसर थाने का नंबर होगा और तो जी इनफॉर्मेशन जाएगी तो सही होगी। नहीं उन्होंने तो पता लग सकेगा पर लगना मुश्किल आ क्योंकि अमृतसर इस टाइम गिणिया जाए तो कोई 1000 तो प्लस पत्रकार हो चुका है और वास्ते जो पुलिस को सख्त होना पड़ेगा चैकिंग करने वास्ते कि जो बंदा आम लंघता है मोटरसाइकिल लगे प्रेस लिखाया आ और वेरीफाई की जाए कि प्रेस पत्रकार है भी अच्छा नहीं है जो मान लेने और को आई कार्ड नहीं है वो अपनी खबर लगियां दिखा सकता कि मैं को आई कार्ड जहाँ एक्सपायर होया जा मैं आई कार्ड या दारे वालों मिले नहीं गा वो अपना आई कार्ड खबर दिखा के ही बना सकता कि मेरा ये आई कार्ड है मेरी खबर लग रही है।